नीट एग्जाम के लिए बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का डिस्कशन ओरल क्वेश्चन आंसर की तरह है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को 3-4 बार सुन लेंगे तो ये आपको भजन की तरह याद हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, ए मल्टीनेशनल कंपनी आउटसाइड इंडिया ट्राइड टू सेल न्यू वैरायटी ऑफ टर्मरिक विदाउट प्रॉपर राइट व्हाट इज सच एन एक्ट रेफर टू। फिर सुना आप, ए मल्टीनेशनल कंपनी आउटसाइड इंडिया TRIED टू सेल न्यू वैरायटी ऑफ टर्मरिक विदाउट प्रॉपर राइट, उसे कोई राइट नहीं तब भी, व्हाट इज सच एन एक्ट रेफर टू, इसे हम क्या कहेंगे? बायोपायरेसी। गुड आंसर, बायोपायरेसी, इसका आंसर है बायोपायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लेवर सेवर FLAVR SAVR न्यू वैरायटी ऑफ टोमेटो। गुड आंसर, वेरी गुड, इट इज ए ट्रांसजेनिक टोमेटो वैरायटी और इसमें पॉलीग्लेक्टुरोनेज एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता है जिसकी वजह से टमाटर खराब नहीं होते। इस फ्लेवर सेवर टोमेटो में पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस बहुत कम होती है क्योंकि इसमें कौन सा एंजाइम इनेक्टिव किया गया है, पॉलीग्लेक्टुरोनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूजेस ऑफ PCR टेक्निक के दो कोई यूज बताएं, क्लोनिंग और डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ऑफ HIV, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ HIV वायरस। दूसरा क्लोनिंग है या म्यूटेशन को डिटेक्ट करना है तभी, म्यूटेशन कैंसर क्लोनिंग है ना, डायग्नोसिस। क्लोनिंग तो जीन क्लोनिंग हुआ है ना, तो देखिए डायग्नोसिस भी कर सकते हैं इससे हम और जीन क्लोनिंग भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ प्रोइंसुलिन इनटू मैच्योर इंसुलिन पहला ऑप्शन ए चेन इज रिमूव्ड, सी चेन इज रिमूव्ड या बी चेन इज रिमूव्ड। सी चेन इज रिमूव्ड। गुड आंसर, मतलब सी चेन इज रिमूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आरएनए आई जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग पहला ऑप्शन डबल स्ट्रैंड आरएनए। गुड आंसर, डबल स्ट्रैंड आरएनए। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ADA। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की गई थी 1990 में, 4 साल की लड़की हुई। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, क्या आंसर दिया आपने? ADA। गुड आंसर, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी, इसी को ADA भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अच्युड थ्रू द यूज ऑफ, पहला ऑप्शन है RNAi, दूसरा है RNAi एंड एंटीसेंस RNA, तीसरा ऑप्शन है एंटीसेंस RNA ओनली। साइलेंसिंग ऑफ जीन could be achieved through the use of RNAi भी कर सकते हैं और एंटीसेंस दो मिलकर डबल स्ट्रैंड बनाते हैं ना, RNA, हाँ दोनों कर सकते हैं, तो इसमें आप दोनों आंसर लगाते हैं, खाली एक लगाएंगे ना, इसमें एंटीसेंस है ना, नहीं इसमें बोथ का ऑप्शन भी है, तो बोथ, हाँ अगर बोथ का ऑप्शन है तो दोनों लग जाएंगे। वैसे आपका आंसर सही है कि अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो क्या लगाएंगे आप, RNAi, और अगर RNAi और एंटीसेंस RNA दे रखा तो दोनों बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द
बॉडी। पहला ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट, तीसरा ब्लड प्लाज्मा। लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट, गुड आंसर। बीटी कॉर्न हैज बीन मेड रेजिस्टेंट, बीटी कॉर्न हैज बीन रेजिस्टेंट फ्रॉम कॉर्न बोरर, फ्रॉम कॉर्न बोरर डिजीज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन क्राइफर्स्टेबी। कौन सा है? क्राइफर्स्टेबी, गुड आंसर। क्राइफर्स्टेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइफर्स्ट एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमेटोड, दूसरा बॉलवॉर्म, तीसरा मॉस्किटो। बॉलवॉर्म। बॉलवॉर्म, गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, बॉलवॉर्म। गोल्डन राइस रिच इन विटामिन ए, गुड आंसर, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कॉटन इज नॉट लगाया मैंने, तो पहला है जीएम प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम, चौथा है रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स। नॉट लगा हुआ है, तो पहला था जीएम प्लांट, दूसरा क्या था इंसेक्ट रेजिस्टेंट, तीसरा बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम, ये वाला, चौथा क्या है रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड। नहीं हो सकता, राइट आंसर रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, क्योंकि बीटी कॉटन कुछ पेस्ट के लिए, सबके लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन इज वैक्सीन है अल्जाइमर की, तो एम्फाइसेमा की। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन इज, पहला ऑप्शन एंटासिड, एंजाइम यूज टू ट्रीट एथराइटिस और यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा। यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा, ठीक है आंसर, गुड आंसर, एम्फाइसेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। पहला ऑप्शन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस, दूसरा ऑप्शन डीएनए वायरसेस डेट सिंथेसाइज आरएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, तीसरा आरएनए वायरस डेट सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, तीसरा ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस और चौथा है डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है जो वो बनाता डीएनए बनाता इन्फेक्शन के बाद, कौन सा ना थर्ड वाला ऑप्शन होगा जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है इन्फेक्शन के बाद डीएनए बनाता। इसमें देखिए आरएनए वायरसेस दैट सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, ये आंसर है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। आरएनए वायरसेस दैट सिंथेसाइज आरएनए ड्यूरिंग डीएनए ड्यूरिंग हजने डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट याद हो गया आपको आंसर, क्या बोला था मैंने? सही बोला था, आरएनए वायरसेस दैट सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोटॉक्सिन इज, टॉक्सिक प्रोटीन है, प्रोटोटॉक्सिन इज CRY कैपिटल में, पहला ऑप्शन टॉक्सिक प्रोटीन, डीनेचर टॉक्सिन, दूसरा इनएक्टिव टॉक्सिन, प्रिमिटिव टॉक्सिन, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय प्रोटोजोआ, इनएक्टिव टॉक्सिन इंसेक्ट के गट में पीएच की वजह से एक्टिव होता है, एसिडिक पीएच की वजह से। क्वेश्चन क्या था? प्रोटोटॉक्सिन इज है, इसका आंसर है ए प्रिमिटिव टॉक्सिन,
ए प्रिमिटिव टॉक्सिन तो इनएक्टिव है, जो इनएक्टिव हो गया ना, इनएक्टिव है तो प्रिमिटिव कहाँ से, नहीं प्रोटोटॉक्सिन ना, ए प्रोटोटॉक्सिन इज ट्वेल्थ ऑप्शन, प्रिमिटिव टॉक्सिन, डी नेचर टॉक्सिन, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय प्रोटोजोआ और इनएक्टिव टॉक्सिन, इनएक्टिव टॉक्सिन, गुड, इनएक्टिव टॉक्सिन, इनएक्टिव टॉक्सिन, बायो रिएक्टर रेफर टू ट्वेल्थ ऑप्शन, फर्मेंटेशन टैंक, टैंक फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिज्म रिएक्टिंग टू ए स्टिमुलस, टैंक फॉर बायोकेमिकल वेस्ट, टैंक फॉर बायोकेमिकल वेस्ट, ऑप्शन दोबारा, पहला ऑप्शन था फर्मेंटेशन टैंक, दूसरा था टैंक फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, ये वाला है सही, बायो रिएक्टर रिफर्स मीन्स होता है फर्मेंटेशन टैंक, फर्मेंटेशन टैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा का फर्मेंटेशन टैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीईएसी का पूरा नाम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशा इन्फेक्ट, मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशा इन्फेक्ट, स्टेम ऑफ टोमेटो, रूट ऑफ टोबैको, लीफ ऑफ टोबैको, रूट ऑफ टोबैको, रूट ऑफ टोबैको, रूट ऑफ टोबैको, ई एफ बी की फुल फॉर्म, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या नाम होते हैं, प्लाज्मिड, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस बाय विच, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड को कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड को कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल अब डीएनए, डीएनए को बचाने के लिए जो द फर्स्ट नॉन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड, हिंट सेकंड नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड 900, इन 900 को कितने बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया है, 230 बैक्टीरिया स्ट्रेन, स्ट्रेन 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से हमें 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड मिले, कितने मिले 900 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज टू बाइंड डीएनए कंबाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट बोयर, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन, ऑप्शन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जी साल्मोनेला कौन सा है, टाइफीम्यूरियम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कोलाई यूज्ड बाय स्टैनली एंड कोहेन टू प्रोड्यूस द ई कोलाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट बोयर स्टैनली कोहेन ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को
किस ईयर में आइसोलेट किया था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियोजेनिक? मॉलिक्यूलर सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड वेक्टर रूप में काम करते हैं ना जी, प्लाज्मिड वेक्टर रूप में वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए लाइगेज डीएनए को आपस में जोड़ देता है, बांध देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियोजेनिक ऑब्टेन फ्रॉम 230 strains of bacteria. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियोजेनिक जीएए टीटीसी को इको आर्बन कहां से क्लीव करता है? जी और ए के बीच में, बिटवीन द जी एंड ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PBR 322 का सेलेक्टेबल मार्क बताएं, सेलेक्टेबल मार्क बताना आपको। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जी, PBR 322 का सेलेक्टिव मार्क क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सब। कैनामाइसिन तो दूसरा नाम है ना एम्पिसिलिन का, एम्पिसिलिन का क्या नहीं, टेट्रासाइक्लिन का दूसरा नाम है कैनामाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्यूशन, ELUTN, इल्यूशन किसे कहते हैं? टू ऑब्टेन डीएनए फ्रॉम वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका जेल यूज करते हैं? एग्रोज जेल, एग्रोज जेल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सरसिनन इनएक्टिवेशन में किसको यूज करते हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर, बताइए। बाय वेक्टर, जीन हाँ, क्या लिखेंगे? बायो, बायोटेक्नोलॉजी, नहीं ये सही है, क्या बाहर रखते हैं ना, फर्मेंटर, यस क्वेश्चन बताइए आप, टेट्रासाइक्लिन को कौन से रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियोजेनिक क्लीव कर सकते हैं? BMH1 और Sal1, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियोजेनिक बिटवीन द इको आर्बन एंड हिंद थर्ड, इको आर्बन और हिंद थर्ड के बीच कौन सा है? ZLA first, अरे वेरी गुड। PBR में P का मतलब क्या होता है? प्लाज्मिड, गुड। B का मतलब बॉलीवर, R से Rodriguez, ठीक, गुड आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए क्या सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल गन, जीन गन किसे कहते हैं? देखिए, जीन नेम के द्वारा सीधे ही हम स्पर्म को, स्पर्म क्या दूसरे मतलब डीएनए जो होता है उसमें न्यूक्लियस में भेज सकते हैं जी, माइक्रो इंजेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इंजेक्शन, अच्छा वो तो माइक्रो इंजेक्शन में काम होता है ना स्पर्म वाला,
इसको हमारा तो माइक्रो इंजेक्शन में डालना इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी, कैन नॉट द कंट्रोल, कैन नॉट द कंट्रोल। ऑप्शंस, अरे भैया वो तुम्हें पता, ऑप्शन याद नहीं आ रहा नाम उसका। कॉटन बॉट, कॉटन प्लांट, जिया मेज प्लांट, बार्ले प्लांट, व्हीट प्लांट। अभी कॉटन का पता हो तो, हाँ कॉटन ही है, ये अपना कॉटन है। ऑप्शन के लिए तुम दिया आपने, नहीं लेकिन कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएमओ का नाम क्या होता है? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्टेरियन पेस्ट, पहला ऑप्शन आर्मी वॉर्म, टोबैको बर्ड वॉर्म, दूसरा बीटल्स, तीसरा फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, गुड आंसर, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, थ्यूरिनजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलियोप्टेरन पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं हम किसके द्वारा? कॉलियोप्टेरन पेस्ट इज कंट्रोल्ड बाई, पहला ऑप्शन क्राइजीन, दूसरा आरएनएआई जीन, तीसरा ऑन्कोजीन। बताइए, कॉलियोप्टेरन पेस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्राइजीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल द, क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल द, बताएं। ऑप्शन, कॉटन बॉल वॉर्म, कॉर्न बोरर, कॉर्न बोर, यस कॉर्न बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन बिकम एक्टिव इनटू टॉक्सिन, क्राई प्रोटीन बिकम एक्टिव, ठीक है, एक्टिव इनटू टॉक्सिन प्रोटीन, टॉक्सिन प्रोटीन इन, इन पहला ऑप्शन एल्केन पीएच ऑफ बट ऑफ इंसेक्ट, एल्केन इंटेस्टाइन में, इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में एल्कलाइन पीएच की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, कन्वर्ट है, हाँ इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में एल्कलाइन पीएच की प्रेजेंस में, है ना, क्राई प्रोटीन जो कि इनएक्टिव है वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है और फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन करती है और उससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स प्रोडक्ट कितने हैं? 30। यस, यूज कितने करना है मार्केट में? 12। मार्केट में कितने अवेलेबल हैं? 12। ये रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स जो हैं 30 हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजी काउ, है ना, रोजी काउ के मिल्क में ह्यूमन, पहले सब ये बताइए, रोजी काउ के मिल्क में कौन सी ह्यूमन प्रोटीन होती है? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। इसकी कितनी क्वांटिटी लेते हैं? 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग किसमें करते हैं? ट्रांसजेनिक माइस में, ट्रांसजेनिक माइस में और मंकी में करते हैं, मंकी में भी कर सकते हैं, मतलब करते किस में? माइस में, माइस में करते हैं, ट्रांजेनिक माइस में। नेक्स्ट, वैसे हम कर सकते हैं मंकी में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन यूज, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसिमा, मतलब लंग्स के डिसऑर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलाइजा का प्रोनाम क्या है? एलाइजा का, हाँ एलाइजा का प्रोनाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो
एसे टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन, एंटीजन डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, एंटीजन को हम पहचान सकते हैं किनके बेस पे? पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा लाइपोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, इसके दो आंसर हैं, ग्लाइको लाइपो, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय, पहला ऑप्शन है ना, पीसीआर, ऑप्शन का नहीं है, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन ये था, एंटीजन एंटीबॉडी वो एंटीजेंस क्या है? हाँ, एंटीजेंस क्या है? तो एंटीजेंस जो होते हैं प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, एंटीजेंस प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलाइज हो गया था, एलाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वैरायटी इन इंडिया, राइस वैरायटी इन इंडिया, टू लैक्स। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती राइस, बासमती राइस क्लासिफाइड इनटू 27 वैरायटीज, इनटू 27 वैरायटी ऑफ बासमती ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेवर एंड एरोमा, फ्लेवर एंड एरोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर डेवलप एंड न्यू बासमती वैरायटी बाय द क्रॉस बिटवीन सेमीडॉफ वैरायटी और बासमती वैरायटी, इंडियन बासमती वैरायटी क्रॉस विद सेमीडॉफ वैरायटी, इंडियन है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट द रिसेंटली क्लियर सेकेंड अमेंडमेंट, तो आंसर बोल दिया आपने। ठीक है, सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट पैटर्न बिल्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजियो न्यूक्लियर एंजाइम बैक्टीरिया क्यों प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियोफेज वायरस। यस, बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजियो न्यूक्लियर एंजाइम प्रोड्यूस इसलिए करते हैं कि वायरल डीएनए को वो डैमेज कर सके, क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं। तो जब बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए बैक्टीरिया में जाएगा तो बैक्टीरिया का रेस्ट्रिक्शन एंजियो न्यूक्लियर एंजाइम इस वायरल डीएनए को ब्रेक कर देगा, टुकड़ों में तोड़ देगा। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के नाम बताएं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स। पहला टूल होता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियर एंजाइम, दूसरा होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज और तीसरा होता है डीएनए लाइगेज। गुड, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम क्या है? टू प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन। यस, टू प्रिवेंट द सेल्फ लाइगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनलेन कोहेन ने प्लाज्मिड को किससे ऑब्टेन किया था? ऑब्टेन किससे किया था? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनलेन कोहेन तथा हर्बर्ट बोयर ने प्लाज्मिड को ऑब्टेन किया था, किससे प्लाज्मिड किया था? सालमोनेला टाइफी म्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो खाली उसने करा था ना,
यस यस ये आपको पता है कि 900 रेस्ट्रिक्शन इंडियन एंजाइम नोन है. ओके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको क्लीव करते हैं? पेरेंड्रोमिक डीएनए को. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कितने बेस पेयर हो जाते हैं लगभग? वो तो हिंट सेकंड में स्पेसिफिक है, 6. हिंट सेकंड में कितने हैं? 6 हैं. हिंट सेकंड में 6 हैं. गुड, 6 बेस पेयर. अच्छा, इसका जो नॉमिनक्लेचर होता है उसमें फर्स्ट लेटर का मींस जीनस, सेकंड टू लेटर स्पीशीज, सेकंड टू लेटर स्पीशीज, ठीक है, और थर्ड फिर नेक्स्ट लेटर होता है वो स्ट्रेन. इको आर वन में, इको आर वन में सीओ का मतलब क्या है? सीओ स्पीशी क्या है मतलब? कोलाई. कोलाई. और आर का कंप्लीट क्या है? इको आर वन आर क्या है? स्ट्रेन है. तो स्ट्रेन का नाम बताया पूरा. आर वाई, आर वाई वन थ्री, आर वाई वन थ्री थर्टीन, ठीक है. और वन क्या है? सिक्वेंस. किस सिक्वेंस को हमने ऑप्टेन किया है? रोमन, ठीक है, रोमन नंबर यूज करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियर एंजाइम है ये एक्सो न्यूक्लियस है या एंडो न्यूक्लियस है? एंडो न्यूक्लियस. एंडो न्यूक्लियस. ये एंडो न्यूक्लियस है, बीच में. गुड, बीच से कट करता है. किसी एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम का नाम बताएं. किसी भी एक्सो न्यूक्लियर एंजाइम का नाम बताएं. ऑप्शंस. हिंट सेकंड, सीएलए फर्स्ट. एमिनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमीनो वाला दोनों है. दोनों क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन में एक सिरा होता है अमीनो का, एक होता है कार्बोस सर्कुलर में, है ना, कार्बोक्सी का. तो ये दोनों तरफ से कट करते रहते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज. ये एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम है. एंडो न्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन. वो रेस्ट्रिक्शन ही है सारी. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए. डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टुवर्ड्स द कैथोड या एनोड? इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड में. हाँ तो एनोड. एनोड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, कैथोड पे आएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो कैथोड पे आता, तब कैथोड पे जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड पे है. इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो पूरी तरह से, ठीक है. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था पता जाएगा कैथोड पे जाएगा. नेक्स्ट, डीएनए फ्रेगमेंट पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डीएनए को स्टेन करने के लिए किससे हम उसे स्टेन करते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड. डीएनए की कलरिंग है ना, किसे करते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड से करते हैं. डीएनए को एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूवी लाइट में देखते हैं. जेल कौन सा यूज करते हैं? एग्रोजेल. नेक्स्ट, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में कितनी कॉपी बना सकता है अपनी? 1500 से 100 कॉपी बना सकता है. प्लाज्मिड बैक्टीरिया में 1500 कॉपी बना सकता है, 15 to 100. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरैम्फेनिकॉल यूज्ड इन क्लोनिंग वेक्टर एज, क्लोरैम्फेनिकॉल यूज्ड इन क्लोनिंग वेक्टर एज सिलेक्टेबल मार्कर. गुड, सिलेक्टेबल मार्कर. सिलेक्टेबल मार्कर किसमें हेल्प करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर को हम क्यों यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. यस, सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनिज्म. डीएनए है ये, डीएनए, ठीक, ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, आरओपी का नाम क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए
सबसे पहले सेल वॉल को रिमूव करते हैं, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल को रिमूव करते हैं, फिर डीएनए को प्रिसिपिटेट करने के लिए चिल्ड एथेनॉल यूज करते हैं, चिल्ड एथेनॉल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आया था। कॉम्पिटेंट मेथड में है ना, सेल को ट्रीट करने के लिए कौन सा आयन यूज करते हैं? कैल्शियम डाइवेलेंट आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट शॉक ट्रीटमेंट में टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट शॉक ट्रीटमेंट ना, तो पहले उसे गर्म करते हैं फिर ठंडा कर देते हैं, कितना रखते हैं? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, बायोलिस्टिक गन के द्वारा डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, लेकिन बायोलिस्टिक गन में हाई स्पीड पार्टिकल यूज करते हैं, तो हाई स्पीड पार्टिकल का नाम बताएं? गोल्ड एंड टंगस्टन। प्रेशर बनाती है हीलियम गैस। अरे वाह, बायोलिस्टिक गन में प्रेशर को बनाती है हीलियम गैस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को हम पीसीआर में किस तरह से यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को पीसीआर टेक्निक में हम किस रूप में से यूज करते हैं? एज ए आरएनए प्राइमर, प्राइमर ग्रुप करते हैं, आरएनए प्राइमर ग्रुप में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आरएनए प्राइमर के किस एंड पर हेलिक्स बनाता है? 3' बैंड बनाता है या 5' बैंड बनाता है? हेलिक्स। हाँ, आरएनए प्राइमर के किस एंड पर डीएनए पॉलीमरेज नया हेलिक्स बनाता है? थर्ड। यस राइट, 5' टू 3' होता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैग डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऑब्टेन फ्रॉम? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, इसे करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिस फर्मेंटर में फ्लैट ब्लेड होते हैं जी, उस फर्मेंटर का नाम क्या है? सिंपल स्टेट टैंक बायो रिएक्टर। ठीक है, बायो रिएक्टर का वॉल्यूम कितना होता है? 100 to 1000 liter। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो रिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक है, ऑप्टिमल कंडीशन, ठीक है, बायो रिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन बाय प्रोवाइडिंग द स्टराइल एयर बाय प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, पीएच, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है? जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसे निकालते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन आता है। ओके, नेक्स्ट, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। नेक्स्ट, कैपिटल देखिए, विच यूज्ड एज ए वेक्टर
इज यूज एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर द जीन इन टू द होस्ट प्लांट. एटीबैक्टीरिया. यस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस. इसके द्वारा प्लांट में हम जीन को ट्रांसफर करते हैं एटी द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, हु रेप्लिकेट थ्रू द आरएनए इंटरमीडिएट. हु रेप्लिकेट क्या बोल रहे हैं पहले? थ्रू आरएनए. बताइए. मोबाइल जीन एलिमेंट ट्रांसपोसोम. हाँ, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोसोम. ठीक है, रेप्लिकेट. ठीक है, रेप्लिकेट एज आरएनए इंटरमीडिएट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल. कौन कौन सी यूज बताइए. तो हमें किसी चीज का डोज डिसाइड करना होता है. नेक्स्ट, वैक्सीन. यस. मतलब फिजियोलॉजी स्टडी करने में, डेवलपमेंटल स्टडी करने में, स्टडी ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टैक्स. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज स्टडीज बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. Disease studied by recombinant DNA technology in transgenic animal. पहला ऑप्शन है कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस. दूसरा बताएं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एल्जाइमर. तीसरा बताएं, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड रूमेटॉइडल अर्थराइटिस. ऑल. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर ऑल था. अगला क्वेश्चन देखिए, जी इसी प्रणाम हुए थे ना, जेनेटिकल इंजीनियर अप्रूवल कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूज्ड टू द स्टडी ऑफ जीन, टू द स्टडी ऑफ ट्रांसजेनिक जीन. डेवलपमेंट ऑफ डिजीज बाई सर्विंग एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल सेल में किसे यूज करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर. रेट्रोवायरस. यह मोबाइल जी है ट्रांसपोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में क्या डिफरेंस आता है. प्रो इंसुलिन में तीन चेन होती है और उसमें दो दो तीन ए और बी. ठीक है, अमीनो एसिड्स का फर्क है. प्रो इंसुलिन में ए बी सी चेन है, जबकि इंसुलिन में ए और बी चेन. लेकिन इसमें दोनों में बेसल पार्ट पर तीन ही रहती है. हाँ, इमेच्योर और मेच्योर
इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड की संख्या तीन ही रहती है। गुड, इंसुलिन का फंक्शन क्या है? डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, टू डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, टू डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, हाइपोग्लाइसेमिक, ये ब्लड ग्लूकोज को कम कर देती है, कंट्रोल करके प्लाज्मा आती है, ग्लूकोज को हाँ कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बनाते हैं, इंसुलिन कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर एंड मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1:1 किसका होता है डिजीज में? 1:1 ऑप्शन, गुड आंसर, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, और 1:1:1 चार बार डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, द हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, और 9:3:3:2 ये भी डायहाइब्रिड का है लेकिन टेस्ट क्रॉस नहीं है, डायहाइब्रिड और मोनोफिटिक, डायहाइब्रिड एंड मोनोफिटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामीनाथन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन तुम्हारे फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज गिवेन बाई, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज गिवेन बाई कॉल एरिकी, गुड, कॉल रिकी, KARL ERIKY, बायोटेक्नोलॉजी शब्द कॉल रिकी ने जाता, स्पेलिंग नोट कर लिया, KARL ERIKY। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए लाइगेज का फंक्शन बताया गया है, टू बाइंड डीएनए, यस, दो डीएनए को आपस में ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में कौन सा जीन इनएक्टिव करते हैं? क्रोमोजीन का नाम बताएं, इसका क्रोमोजीन तो बहुत से हैं, इंसर्शन इनएक्टिवेशन में आप क्रोमोजीन को इनएक्टिव करते हैं जो कलर देता है, तो यहाँ पे हम PBR 322 में जो क्रोमाजीन है उसका नाम क्या है? बीटा ग्लेक्टोसाइडेस, बीटा ग्लेक्टोसाइडेस कलर कैसा देता है? ब्लू। और जब इसे इनेक्टिव कर देते हैं तो नॉन ब्लू, तो कलर नहीं देता, कलरलेस। इसका मतलब जो रिकॉम्बिनेंट हैं वो कलर नहीं देते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर देंगे, ठीक है। TI प्लाज्मिड किससे ऑप्टेन करते हैं? TI प्लाज्मिड ऑप्टेन फ्रॉम एटी बैक्टीरिया, गुड। TI की फुल फॉर्म क्या है? TI की ट्यूमर इंड्यूसिंग, गुड, ट्यूमर इंड्यूसिंग। PCR टेक्निक डेवलप किया था कैरीमोलिस, गुड, PCR टेक्निक डेवलप बाय कैरीमोलिस, और PCR टेक्निक में तीन स्टेप्स है, कौन कौन से? डीनेचुरेशन, एक्सटेंडिंग और एनीलिंग। सीक्वेंस गलत हो गया, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एनिलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। नेक्स्ट, डीएनए को जब आइसोलेट करते हैं तो डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज करते हैं? इथेनॉल। विच सॉल्वेंट यूज? एथेनॉल, ठीक है, गुड। अगर हमें फंगल सेल से डीएनए निकालना होता है तो कौन सा एंजाइम लेते हैं? काइटिनेज, गुड। काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बायोरिएक्टर दो होते हैं, एक सिंपल है और एक स्पार्स्ड है, इसमें बैटर कौन सा है ज्यादा अच्छा? स्पार्स्ड वाला बैटर है, क्यों? बबल्स की वजह से सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ऑक्सीजन का। अच्छा, ऑक्सीजन ट्रांसफर का एरिया बढ़ जाता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम
ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया. प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए में क्या डिफरेंस है? प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब ये जरूरी नहीं होता था. प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है और क्रोमोसोमल वाला डीएनए वो एसेंशियल है. ये छोटा होता है बहुत, कितना 1000 टाइम्स छोटा होता है. हां 1000 टाइम्स छोटा होता है डीएनए से. और इसमें एफेक्टर भी होता है, एफेक्टर फर्टिलाइजिंग. हां हां प्लाज्मिड में एफेक्टर है फर्टिलिटी. नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाए. रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स ह्यूमन या इंसुलिन? ह्यूमन इंसुलिन ठीक है. इंटरफेरॉन अल्फा बीटा वन. दूसरी कौन सी बताया आपने? इंटरफेरॉन अल्फा इंटरफेरॉन जो कैंसर में यूज होता. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ठीक है. अल्फा इंटरफेरॉन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. और दूसरा है ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमन ठीक है. इसके अलावा और भी हैं लेकिन मेन आपके यही दो एनसीईआरटी में दिए हैं. इंटरल्यूकिंस भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है. इंटरल्यूकिन ये भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड इज यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एग्रोज को हम किसमें यूज करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. पहला ऑप्शन बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल. बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल. दूसरा ऑप्शन अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. तीसरा ऑप्शन अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांसजेंस्ड कोर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. थर्ड वाले अपटेक डीएनए थ्रू ट्रांसजेंस्ड कोर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. बताइए कौन सा ये? थर्ड वाला. तीसरा मतलब अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांसजेंस्ड कोर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. गुड आंसर वेरी गुड. मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. आंसर है अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांसजेंस्ड TRANSIENT कोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लियस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. गुड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फिर सुने आप एक बार. इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज के बेस पर साइज चार्ज टू साइज या ऑल साइज साइज. देखिए एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए मॉलिक्यूल को हम अलग करते हैं किस बेस पर? तुम डिजायर्ड लेंगे ना. हाँ तो चार्ज भी है और साइज भी है. अच्छा जो साइज होगा तो चार्ज भी सबसे होगा. हाँ तो दोनों चीजें हैं चार्ज एंड साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल है इसका आंसर ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट करेक्टली मैच जीन गन डैश बायोलिस्टिक गन. मैच करा नहीं करा ये कर रहा है. डीएनए लाइगेज बायोलॉजिकल सीजर नहीं ये नहीं कर रहा ये मैच नहीं कर रहा है. अपोजिट वर्क देखिए प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सही मैच कर रहा है. बैक्टीरियोफेज और वायरस सही मैच कर रहा है ठीक है.
इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक आर यूज. जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक को किस लिए यूज करते हैं? अरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक को क्यों यूज करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंटीबायोटिक को किस रूप में यूज करते हैं? एज ए, याद करें पीबीआर में, सिलेक्टिबल मार्कर. एंटीबायोटिक यूज एज ए सिलेक्टिबल मार्कर. एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, कैनामाइसिन है. कैनामाइसिन जिसका दूसरा नाम होता है ना टेट्रासाइक्लिन का. तो इसको हम यूज कर लेते हैं. अगर पीबीआर में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन सेलेक्टेबल मार्कर हैं, तो इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के ऊपर अगर मान लीजिए हम एम्पिसिलिन डालते हैं तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा या नहीं मरेगा? नहीं मरेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है ना. अच्छा, तो इसका मतलब जिसमें हमने एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन सेलेक्टेबल मार्कर यूज कर रहे हैं तो वो इन एंटीबायोटिक से इसकी डेथ नहीं होगी. गुड आंसर. ये पीबीआर 322 बनाया किसने था? बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज. इन्होंने पीबीआर जो क्लोनिंग वेक्टर है इसके लिए प्लाज्मिड किसका लिया था? ई कोलाई का. इसका मतलब पीबीआर 322 को जो बनाया गया है वो ई कोलाई के प्लाज्मिड से बनाया गया है. और ई कोलाई के प्लाज्मिड में क्या नहीं होता है? सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होते हैं, वो इन्होंने इसमें लगाए थे. ठीक है, ओरी क्या चीज होती है? ओरी, व्हाट इज ओरी? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन. हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन कंट्रोल होता है, स्टार्ट होता है. एक ही बात है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं से कंट्रोल भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. पीबीआर 322 में क्लोनिंग साइट कितनी है? आठ है. हाँ, वैसे तो आठ है, लेकिन वैसे और भी ज्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी में कितनी दी है? आठ दी है. नेक्स्ट, आरओपी को कौन क्लीव करता है? पीबीयू सेकंड. अगर पीसीआर में हम 30 साइकिल चलाते हैं तो कितने डीएनए बन जाएंगे? एक बिलियन बन जाएंगे. गुड, 1 बिलियन बन जाएंगे 30 साइकिल में. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हम किन डिजीज की स्टडी करते हैं, मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किन डिजीज की स्टडी में किया जाता है. ट्रांसजेनिक एनिमल यूज इन द स्टडीज ऑफ कैंसर डिजीज. डिजीज बताए कौन कौन सी है? कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस. ट्रांसजेनिक मॉडल या ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एल्जाइमर. याद कीजिए. ठीक है, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं इनको ट्रांसजेनिक मॉडल भी कहते हैं. इनका यूज हम कैंसर की, सिस्टिक फाइब्रोसिस की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की और एल्जाइमर की डिजीज में करते हैं, इनकी स्टडी में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन था? माइस. फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल माइस है. अच्छा, अब तक कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल नोन है जो बनाए गए? माइस, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक रैट, एक ही बात है. आगे बताए, मंकी, ट्रांसजेनिक मंकी है और पिग, रैबिट, ट्रांसजेनिक पिग भी है, रैबिट, ट्रांसजेनिक रैबिट भी है, काऊ, ट्रांसजेनिक काऊ है,
काऊ का नाम क्या था? रोजी, रोजी। अरे शीप, शीप ट्रांसजेनिक शीप है और ट्रांसजेनिक फिश है। ट्रांसजेनिक फिश है, शीप और फिश। देखिए ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शीप, काऊ और फिश एंड मंकी। नेक्स्ट पॉइंट, जीईसी का पूरा नाम क्या है? जीईसी का जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी, कमेटी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिसिटी की स्टडी के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करते हैं ड्रग्स की टॉक्सिसिटी के लिए, खासतौर से ड्रग की, मंकी और जनरली मंकी यूज करते हैं और रैट भी ले लेते हैं ड्रग्स की टॉक्सिसिटी के लिए। मंकी, हाँ ट्रांसजेनिक मंकी भी यूज करते हैं और ट्रांसजेनिक माइस भी यूज की जाती है, ठीक है। वैक्सीन पोलियो तो आप बता ही चुके हैं पहले ना। अच्छा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ना, रिकॉम्बिनेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के द्वारा कौन कौन सी डिजीज का क्योर किया जाता है आप बताएं, जो एनसीईआरटी में दे रखी है। अल्फा इंट्रोडक्शन, एक तो है एम्फाइसेमा, अल्फा इंट्रोडक्शन, दूसरा फिनाइल कीटोनूरिया और तीसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस। मतलब और भी की जा रही है लेकिन जो एनसीईआरटी में दी मैंने वो बताया आपको, है ना, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा है ना किन डिजीज को क्योर करते हैं, तो उसका आंसर है एम्फाइसेमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटो नूरिया, फिनाइल कीटो नूरिया। नेक्स्ट, एम्फाइसेमा किससे होता है? लंग डिसऑर्डर है नहीं, एम्फाइसेमा इज कॉज्ड बाय ऑप्शंस स्मोकिंग, स्मोकिंग से होता है एम्फाइसेमा, इज कॉज्ड बाय द स्मोकिंग, याद रहेगा जी, स्मोकिंग से होता है। नेक्स्ट, एंटीजन किसके बने होते हैं? एंटीजन आर मेटाबॉलिक, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन, यस प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, और भी हो सकते हैं लेकिन जो आंसर दिया है वो उन्होंने प्रोटीन और ग्लाइको प्रोटीन दिया है, ठीक है। देखिए कैंसर जीन म्यूटेशन से भी हो जाता है जी, ध्यान रखिएगा, जीन म्यूटेशन से भी कैंसर हो सकता है, पानी को जानी तो है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया था शायद, सेकेंड अमेंडमेंट, हाँ सेकेंड अमेंडमेंट, हर्बल मेडिसिन ट्रेडिशनल है जी, इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन को हम किन प्लांट से बनाते हैं? वैसे तो बहुत से प्लांट हैं लेकिन जो बुक में दिए वो बताते हैं आप, टर्मरिक और नीम, टर्मरिक और नीम, टर्मरिक और नीम। इंडियन फार्मर ने जो बासमती की नई वैरायटी डेवलप की थी वो कौन सी थी? सेमी डॉर्फ और इंडियन बासमती, सेमी डॉर्फ वैरायटी और किससे क्रॉस कराया था उन्होंने? बासमती, बासमती, गुड। अमेरिकन कंपनी ने इसको पैटेंट कहां कराया था? जिस उन्होंने बासमती वैरायटी को चुराया था उसे पैटेंट कहां कराया था? यूएस पैटर्न एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, है ना, यूएस पैटर्न एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ट्रेडमार्क ऑफिस में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइस को एशिया में कब से कल्टीवेट किया जा रहा है? थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कुछ पता नहीं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलाइजा से इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं? जी। अच्छा, एलाइजा से हार्मोन को डिटेक्ट किया जा सकता है? हार्मोन्स को एलाइजा से कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट एलाइजा पे बेस्ड है, ठीक है, तो हार्मोन को भी टेस्ट एलाइजा से किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा जो प्रोडक्ट्स रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज प्रोडक्ट हैं मार्केट में कितने हैं? 12 है मार्केट में, 12। इंसुलिन को किस साइंटिस्ट ने बनाया था? हिमोलिन को, ईली लिली कंपनी भी इसके नाम से है, ईली लिली अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। किस ईयर में बनाया था उन्होंने? उन्होंने बनाया था 1983 में बनाया था, 1983 में। नेक्स्ट, अर्लियस्ट मेथड में इंसुलिन को किससे ऑपरेट करते थे? अर्लियस्ट मेथड में, अब तो ह्यूमन इंसुलिन बना लिया गया है, लेकिन जब नहीं बनाया गया था तो इंसुलिन हार्मोन को निकालते कहां से थे? मतलब आज से पहले ना, देखिए, इंसुलिन अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियास ऑफ स्लॉटर कैटल एंड पिग, जो वहां जाते थे कटने के लिए उसकी पेनक्रियास से निकालते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, ए और बी चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है? दो हैं बीच में, दो हैं, एक ऊपर होता है, तीसरा, ठीक है, दो हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की थी? स्टैनले कोहेन और उसने हर्बर्ट बोयर, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, हर्बर्ट बोयर ने। थ्री बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, थ्री बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जी बताइए। डिजायरेबल जीन चाहिए पहले, डिजायरेबल जीन, डिजायरेबल जीन, दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, दूसरा कौन सा है? डिजायरेबल जीन बताइए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, प्लाज्मिड चाहिए, डीएनए को इंट्रोड्यूस कराते उसके अंदर, तो तीसरा है वो सेल में पाएंगे, होस्ट में, दूसरे में इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए, तो ये तो कह रहा हूं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा ना, और तीसरे में क्या है? होस्ट सेल में डालेंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट सेल में डालेंगे। तीन मेथड, पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए टू द होस्ट, दूसरा था, तीसरा था, दूसरा है, और तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट, ठीक है, दूसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इन टू होस्ट, होस्ट, और तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
डीएनए उस चेन किससे करते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड, बता चुके हम सर, एथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर सेल की पहचान क्या होती है, तो वो कहते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म करती है, लॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है ना। कैंसर सेल कहाँ इसमें, वो 8 चैप्टर में देखिए, 8 पीछे आगे, ये वाला नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कंट्रोल ग्रोथ बाई वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कैंसर सेल देखिए, कैंसर सेल लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, कैंसर का दूसरा नाम क्या है, माइलोमा सेल है ना, माइलोमा सेल। ये बताइए सेलुलर ऑन्कोजीन को लिखते कैसे हैं, C-O-N-C नहीं, सी के बाद डैश लगाते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन को प्रोटो ऑन्कोजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, MRI, पेट स्कैन। आपकी किताब में दिया नहीं है पेट स्कैन, लेकिन पेट है और पेट के अलावा क्या है, MRI में दिया नहीं है, MRI दिया ठीक है। MRI की फुल फॉर्म बताएं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नॉर्मल सेल को कैंसर सेल या न्यूप्लास्टिक सेल में बदलने के लिए किन किन एजेंट्स को हम यूज करते हैं, यूवीरिस, मैंने एजेंट का नाम पूछा सीधे, वो उसका एग्जांपल है, एजेंट बताएं, आप उसके एग्जांपल बता रहे हैं, तो कार्निकोजेन होते हैं एजेंट तो तीन ही है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बाकी उसके एग्जांपल हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल को न्यूप्लास्टिक सेल बदलने के लिए जो कैंसरस एजेंट हैं, जिनसे कैंसर होता है, वो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉजेस कैंसर, एग्जांपल दें इसका, यूवीरेस, आयोनाइजिंग रेडिएशन पूछा मैंने, आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉजेस कैंसर, एग्जांपल एक्स रेज एंड गामा रेज। आयोनाइजिंग रेडिएशन से कैंसर होता है, इसका एग्जांपल कौन सा है, एक्स रेज और गामा रेज। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉजेस कैंसर, एग्जांपल दें, अल्ट्रा वायलेट रेज। टोबैको से कहां कैंसर होता है, टोबैको, तंबाकू, कहीं भी हो सकता है, पूरी बॉडी का कहीं भी कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर हम टोबैको को स्मोक कर रहे हैं तो चांसेस लंग्स कैंसर के ज्यादा, और चीव कर रहे हैं तो माउथ कैंसर। नेक्स्ट, राउस सार्कोमा वायरस कॉजेज कैंसर, याद है राउस सार्कोमा वायरस क्या होता है, कैंसर होता है। नेक्स्ट, ग्राफ्टेड ऑर्गेन को रिजेक्ट कर देता है, देखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर कोई ग्राफ्टेड ऑर्गेन है उसको रिजेक्ट करता है, कौन सा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अल्फा इंटरफेरॉन तो हो गया ना जी। जो कैंसर मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है, उनका साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर ड्रग, कैंसर की ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है? बहुत कॉमन है भाई, जो हम कैंसर की ड्रग्स देते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या है? हेयर लॉस, एनीमिया। अरे सुना हो तुमने, जिसको कैंसर की दवा चला जाती है उसको बाल गिर जाते हैं। तो हेयर लॉस और एनीमिया, हेयर लॉस और एनीमिया। कैंसर का ट्रीटमेंट किन मेथड से होता है? सर्जिकल मेथड है नंबर एक, सर्जरी नंबर दो, रेडिएशन नंबर तीन, सर्जिकल हो गया, सर्जिकल केमिकल, कीमोथेरेपी, कीमो बायोलॉजी कीमोथेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट है ओपियम। ओपियम किस फैमिली में आता है? पापावरेसी। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? पेपावर सोमनीफेरम। ओपाइड्स को इंटेक कैसे करते हैं? स्नॉर्टिंग इंजेक्शन से, इंजेक्शन बस। बस ये कह रही है। हीरोइन, एच ई आर ओ आई, हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम। ओपियम जी, लेटेक्स से। हाँ नहीं, लेटेक्स से मॉर्फिन निकालते हैं, उसको उसकी एसिटाइलेशन करती है, बनाती है, तो बनाते हीरोइन है ना। ये डिप्रेशन होती है, स्लो बॉडी फंक्शन, मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन नहीं, हीरोइन नहीं, हीरोइन है ना, मॉर्फिन सेडेटिव और पेन किलर। हाँ वो तो पेन किलर हो गया। विड्रॉ सिंड्रोम, विड्रॉ सिंड्रोम किस होता है? उस ड्रग्स की दवाई की जरूरत नहीं होती, फिर हमें लत लग जाती है। अगर विड्रॉ सिंड्रोम हो जाता है किसी को तो क्या सिम्टम आते हैं? नोजिया, एंग्जाइटी, शेकिनेस, फिर नोजिया, फिर स्वेटिंग, एंग्जाइटी, शेकिनेस, फिर नोजिया, फिर क्या है? स्वेटिंग। अगर किसी आदमी को एड्स हो, उसको मॉस्किटो काट ले, ठीक है, उसके बाद मॉस्किटो किसी दूसरे आदमी को काट ले, तो क्या उससे एड्स फैलेगा? नहीं, मतलब मॉस्किटो एड्स को फैलाने में हेल्पफुल है, नहीं है? नहीं, नहीं है। सही आंसर है, अगर किसी आदमी को मच्छर काट लेता है और अपने जाकर दूसरे को काटता है तो उससे उसको एड्स नहीं होता है, ठीक है। लास्ट है, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। आप इन ओरल टेस्ट की वीडियो को कम से कम 3 बार जरूर सुने, ये आपको लेसन्स को भजन की तरह याद करा देंगे। और मेरे चैनल पर अंडरलाइंस है चैप्टर्स की, उन अंडरलाइन करके उन अंडरलाइंस को आप याद करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।